हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक ऐसी अमेजिंग वीडियो लेकर आए हैं जिससे आपकी स्किन वाइट तो होगी ही, साथ में अगर आपके फेस पर झुर्रियां आ चुके हैं या आपकी स्किन पर पिंपल्स वगैरह हैं या कहीं पर भी दाग धब्बे हैं वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक ऐसा पैक लेकर आए हैं जिसे आप अपनी स्किन पर अप्लाई करोगे तो आप खुद ब खुद देखोगे कि आपका फेस कितना चमकदार और कितना सुंदर हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स, इसे आपको हफ्ते में 3 बार जरूर इस्तेमाल करना होगा। इसका बहुत ही फास्टली और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, इस पैक को अब मैं आपको बनाकर बताऊंगी कि आपको किस तरह और कैसे पैक बनाना है। ये इस पैक को बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी एक क्लीन बाउल की। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल क्लीन बाउल लिया हुआ है, और चंदन पाउडर की। फ्रेंड्स, चंदन पाउडर में बहुत से ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट माने जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको भी इसे किस तरह इस्तेमाल करना है और अपने स्किन को किस तरह बेदाग और खूबसूरत बनाना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये फेस पैक बनाकर दिखाऊंगी और इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आपको इसी तरह से बनाना है। देखिए, मैंने चंदन पाउडर लिया है, जिसकी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आपको इस तरह का चंदन पाउडर लेना है और 2 स्पून चंदन पाउडर खाली बाउल में डाल लेना है। और अब दूसरी चीज जो इसमें ऐड करेंगे वो है गुलाब जल। फ्रेंड्स, गुलाब जल में बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्किन को फेयर और ग्लोइंग बनाने में बहुत ही सहायक होते हैं। तो अब मैं इस गुलाब जल को अपनी फेस पैक के अंदर ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, इसका ऐसा पेस्ट बनाना है जो आपकी स्किन पर आराम से रुक जाए और उसे आप अपनी स्किन पर इस्तेमाल कर सको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें गुलाब जल ऐड कर लिया है और अब मैं इसका बहुत ही अच्छा पेस्ट बना लूंगी। आपको इसमें लम्स बिल्कुल नहीं रहने देने हैं, इसका बहुत ही अच्छा पैक बना लेना है। और फ्रेंड्स, अब मैं इसे अपनी हैंड पर आपको लगाकर दिखाऊंगी। आपको इसे अपने फेस पर किस तरह लगाना है अब ये बताऊंगी। देखिए, आपको किसी भी कॉटन बॉल से इस्तेमाल करना है या फिर आपके पास कोई भी ब्रश वगैरह है, आप उससे भी अपनी स्किन पर इसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसे अपने हाथों से लगाकर दिखाऊंगी आपको। देखिए, इसे आपको धीरे धीरे अपने पूरे फेस पर लगा लेना है। फ्रेंड्स, कमाल की बात तो यह है कि इसका आपकी स्किन पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और यह आपकी त्वचा को बहुत ही सुंदर निखार देगा। अगर इसे आप अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगी 15 से 20 मिनट में आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी खूबसूरत और कितनी चमकदार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अपनी स्किन पर अप्लाई कर लिया है और अब मैं इसे 15 मिनट सूखने के बाद इसे उतार दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह सूख चुका है। आपको इसे 15 मिनट तक इसी तरह लगाए रखना है और उतारने का भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे अपनी स्किन से किस तरह रिमूव करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने गुलाब जल लिया हुआ है। आपको अपने फेस पर हल्का सा गुलाब जल लगा लेना है और उससे इसकी मसाज करनी है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, इसे आपको अपनी स्किन से इसी तरह उतारना है। इस तरह अगर आप इसे उतारेंगी तो आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। इसका एक किस्म से स्क्रब भी होगा, क्योंकि ऐसे मसाज करने से आपका फेस और भी अच्छा चमकेगा और इसका रिजल्ट बहुत ही बेस्ट आएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अपने हाथ के ऊपर मसाज कर ली है। इस तरह आपको अपनी स्किन के ऊपर इसकी मसाज करनी है और अब इसे आप इसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको गर्म पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने हैंड को वॉश कर लिया है और अब मैं इसे एक टॉवल से पूछ लूंगी। आपको ज़्यादा सख्त तरीके से इसे नहीं पूछना है, क्योंकि आपकी चेहरे की स्किन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम होती है, इसलिए आपको हल्के से इसे इस प्रकार पूछ लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप मेरे दोनों हाथों में अंतर, मैंने इस पैक को एक बार इस्तेमाल करके आपको लाइव रिजल्ट दिखाया है। आप देख सकते हैं, अगर इसे आप हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन पर इसी प्रकार का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेमेडी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाए ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगली एक नई रेमेडी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।